हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बची हुई साबूदाना की खिचड़ी के बड़े बताने वाली हूँ आज आपको कि साबूदाना की खिचड़ी अगर बच जाती है तो वो क्या यूज़ में आ सकता है हमारे। तो साबूदाना की खिचड़ी ये मेरी बची हुई है और ये उबले हुए आलू, ये दो तो इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। ये इसके साथ में हरी चटनी जरूरत पड़ेगी, तो हरी चटनी के लिए मैंने कटा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और दो तीन हरी मिर्च और ये मूंगफली और नींबू का रस और ये सेंधा नमक, क्योंकि उपवास में हम बना रहे हैं, उपवास की साबूदाना की खिचड़ी है। तो सुबह अगर आप साबूदाना खिचड़ी बनाते हो तो शाम को चेंज भी हो जाएगा, तो आप उसके बड़े बना लीजिए। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, तो ये जो चटनी का सामान है इसमें एक जार में डाल देंगे। जीरा ऑप्शन है, कोई उपवास में खाता है नहीं खाता है। ये फलीदाना ये कच्चा ही है, मैंने इसको रोस्ट नहीं किया है। और ये नींबू का रस, अगर कोई टमाटर खाता है तो नींबू के बदले में टमाटर भी ले सकते हैं, ये स्वाद अनुसार नमक। पहले चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मूंगफली की वजह से ये थोड़ी सी वाइट हो गई है, इसमें आप दही भी डाल सकते हैं नींबू के बदले में। और ये चटनी तैयार हो गई, इसको इतना ही थिक रखना है। ये देखिए बहुत ही थिक चटनी हो गई है। ये साबूदाने बड़े के साथ में चटनी तैयार हो गई है, अब बड़े की तैयारी कर लेते हैं। ये साबूदाने की खिचड़ी बची हुई, इसमें तो है ही सारे कड़ी पत्ता और हरा धनिया सब हैं। अब आलू के हिसाब से इसमें नमक लेंगे, क्योंकि आलू मिक्स करना है ताकि ये बंध जाए साबूदाना। ये मैंने नमक लिया है, पूरा ही लग जाएगा, क्योंकि सेंधा नमक जो होता है उपवास वाला वो थोड़ा सा कम टेस्ट देता है। और इस तरह से आलू इसी में मैश करेंगे पूरे अच्छे से, पूरा पेस्ट बना लेना है इसका, आलू और साबूदाने का। ये देखिए ये पेस्ट हो गया पूरा, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, सिर्फ बॉइल्ड आलू और नमक मिलाया है, क्योंकि ऑलरेडी साबूदाने की खिचड़ी तो है ही हमारी तैयार। इसमें सिर्फ देखिए मैंने ये आटा गूंथते हैं, ऐसा पेस्ट हो गया है पूरा, ठीक है। अब इसके हम लोग छोटी छोटी टिकिया बनाएंगे, ये हाथों में भी नहीं चिपकेगा, जैसे कटलेट भी बना सकते हैं इसके, या फिर इस तरह से जैसे आलू की टिकिया बनाते हैं, ऐसे पहले गोल लड्डू बना लीजिए और फिर इसको ऐसे चपटा चपटा कर लीजिए इस तरह से। ये मैंने देखी पूरे साबूदाने की ऐसे टिकिया बना के रख ली है और मेरा ऑलरेडी तेल गरम है, इसमें मैं एक एक करके छोड़ूंगी। तेल मेरा बहुत ज़्यादा गरम हो गया इसलिए स्लो रखी हूँ, और अगर आपका तेल गरम ना हो तो पहले उसको हल्का सा गरम करके फिर आप मीडियम आँच में उसको तलेंगे, नहीं तो फिर अगर स्लो रखेंगे तो पूरा तेल पी जाएगा साबूदाने के बड़े। अब मैंने गैस की इस फ्लेम को तेज कर दिया, फास्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं स्लो में रखूंगी तो ये पूरे जो बड़े हैं वो तेल पी जाएंगे, इसीलिए आपको फास्ट में ही तलना है इसको। देखिए अब तेल छोड़िए, नीचे से चिपकना भी बंद हो गया है। आज का टिप ये दे रही हूँ कि अगर आप कुछ ऑयली खाते हैं, बटर का, तेल का, तला हुआ, इस टाइप का बहुत ज़्यादा स्टेप से ऑयली और फैट फूड खाते हैं ना, तब उस समय वार्म वाटर पीजिए, थोड़ा सा हल्का गरम, ताकि ये जो ऑयल है, बटर है, घी है, ये अंदर जाके आपके फैट नहीं बनाएगा। तो ये आज का टिप आपके लिए। ये देखिए मेरी तेज है पूरी गैस, मैंने स्लो नहीं किया है, ये ऊपर से वन साइड रेड हो गए हैं, इसको पलट देंगे। अगर आपके पास तेल ज़्यादा है कढ़ाई में तो आप पलटोगे नहीं तो भी पूरी तरह से सिक जाएगा, जैसे मेरा ये हो गया है, तो हल्का सा पलट देंगे और उतार लेंगे। बन गए हैं ये पूरे कुरकुरे एकदम। मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा लिया है, नहीं तो आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, क्योंकि ऑयली है ये। और फ्लेम को स्लो कर देंगे और इनको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा लाल हमको नहीं करना है, हल्का सा रेडिश ही करना है इस तरह से, एकदम कुरकुरे पूरा तेल झाड़ लेंगे इस तरह से। मैं जो साबूदाना बड़े बताती हूँ इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं पीते हैं साबूदाना, क्योंकि साबूदाने में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो पानी तेल पीते हैं ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया ना, एकदम सूखी मेरी साबूदाने की खिचड़ी थी, मैंने सिर्फ उसमें आलू डाला है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये साबूदाने के बड़े तैयार हो गए हैं बहुत ही झटपट और एकदम कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी। आप हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर तक ये पक गया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।